हेलो फ्रेंड, एक नया वीडियो आज भी डाल रहा हूँ। आज टोटल 6 ही लोगों का पार्सल जा पाया है, क्योंकि स्पीड पोस्ट में थोड़ा लिंक चला गया, उसके लिए 3-4 पार्सल रोक गया है। वो कल डिस्पैच हो जाएगा, रिसीप भी सबको भेज दूंगा। तो आज का जितना पार्सल गया है रिसीप सबको व्हाट्सअप कर दिया है, ठीक है। और आज का कलेक्शन आज भी रेयर कॉइन, ज़्यादा से ज़्यादा रेयर कॉइन ही है और BUNC कंडीशन में है। कुछ नया कॉइन भी आज ऐड हो पाया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और एक बात है जो सबसे पहला बात क्लियर कर दूँ, कंडीशन BUNC होता है, BUNC कंडीशन का सबसे ज़्यादा प्राइस रहता है, ठीक है। आप लोग पहले कंडीशन का ऊपर ही सबसे पहले स्टडी करें, जहाँ हम कौन सा कंडीशन आपको सेल कर रहा है। कोई कोई सेलर आपको UNC माल सेल करता है, BUNC का प्राइस लेता है, तो आप लोग समझता है तो वो तो हमको UNC का ही माल दिया है, BUNC का ही माल दिया है, UNC माल BUNC बोल कर सेल कर देता है, ठीक है ना। BUNC का प्राइस ले लेता है, तो वो समझा, आप समझता है BUNC का माल इतना प्राइस है, आपका पास इतना प्राइस है। हो सके मेरा प्राइस किसी को ज़्यादा लगे, किसी को ठीक लगे, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन जैसे हिसाब से बाइंग होता है वैसे हिसाब से प्राइस तय होता है। और एक बात, जैसे कि वीडियो में जो जो कॉइन आज देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा BUNC कॉइन है, और BUNC कॉइन का मार्केट वैल्यू हमेशा हाई रहता है, ठीक है। और आगे जाके आप लोग जब सेल करने जाएगा तो आपको BUNC माल का कोई डाउट नहीं होता है, ठीक है ना। जहाँ भी जाइएगा, कोई भी एग्जीबिशन में जाके, कहीं भी स्टॉल में जाके आप लोग सेल करिएगा, तो बिना झिझक के, बिना कोई बात बोल के आपका माल धराधर बिक जाएगा, BUNC माल खास तौर से, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते, आज का फर्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, 5 रुपीज़ कॉपर निकल में के कामराज, ये भी स्क्वायर सिक्का है, हैदराबाद मीन से, BUNC कंडीशन में, गोल्डन लस्टर के साथ, ठीक है। 5 पीस का लॉट अवेलेबल है, सेम प्राइस में मिलने जा रहा है, 350 रुपया पर पीस, ठीक है। पूरा गोल्डन लस्टर वाला कॉइन है, 5 पीस ही अवेलेबल है, के कामराज हैदराबाद मीन, ठीक है। 5 पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, आज़ादी का अमृत महोत्सव, 20 रुपीज़, 2021 बॉम्बे मीन, ठीक है। बॉम्बे मीन का एक कॉइन है 2021, इसका प्राइस होने जा रहा है 60 रुपीज़, 60 रुपया पर पीस। ये भी 10 पीस का लॉट अवेलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला है मेरे हाथ में, ONGC FSS में हैदराबाद मीन, ये जो कंडीशन है UNC, नॉट जेम, नॉट BUNC, ओनली UNC कंडीशन का कॉइन है। देख लीजिए, BUNC कंडीशन का कॉइन अभी कम से कम ज़्यादा प्राइस है, 300-350 मार्केट वैल्यू है अभी, BUNC कॉइन का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे हाथ में UNC कॉइन है, 60 रुपया पर पीस, 5 पीस ही अवेलेबल है, ठीक है। जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है, ONGC हैदराबाद मीन FSS में 5 रुपीज़, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है, सॉरी 6 पीस है, 6 पीस अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन 1992 कलकत्ता मीन, एक सिंगल मीन कॉइन है, 1 रुपीज़ कॉपर निकल में, JM UNC कंडीशन में, ठीक है। JM UNC कंडीशन में प्राइस होने जा रहा है 250 रुपया, 250 रुपया पर पीस। ए भी 4 पीस का लॉट अवेलेबल है, देख लीजिए, 4 पीस सेम है, JM UNC कंडीशन में, ठीक है। देख लीजिए, मैं 4 पीस आपको उठा कर दिखा रहा हूँ, कौन सा कंडीशन है आप लोग देख लीजिए, ठीक है। देख लीजिए, कलकत्ता मीन का एक कॉइन है, 1992 कलकत्ता मीन, एक सिंगल मीन कॉइन, काफ़ी डिमांडिंग कॉइन, फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। 4 पीस का लॉट 1000 में आपको मिलने जा रहा है। नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, 50 पैसा इंदिरा गांधी हैदराबाद मीन, ये भी BUNC कंडीशन का कॉइन है, हैदराबाद मीन से, ये भी 5 पीस का लॉट अवेलेबल है, प्राइस होने जा रहा है 160 रुपया पर पीस, हैदराबाद मीन इंदिरा गांधी 50 पैसा कॉपर निकल में, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, सिविल एविएशन हैदराबाद मीन निकल ब्रास, BUNC कंडीशन में, 5 रुपीज़, BUNC कंडीशन में, पूरा हाई लस्टर वाला कॉइन है। ये सब खास तौर से ये सब लस्टर बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है ना। देख लीजिए कंडीशन, पूरा प्रॉपर BUNC कॉइन है, सिविल एविएशन हैदराबाद मीन, प्राइस होने जा रहा है 400 रुपीज़, ये भी 5 पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। इसका UNC प्राइस बुक में 200 रुपया आ गया है नया बुक में, ठीक है। ये भी काफ़ी डिमांडिंग सिक्का हो गया है, आगे जाके और भी डिमांडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, ये 3 पीस का लॉट अवेलेबल है, JM UNC कंडीशन में, 1984 हैदराबाद मीन, काफ़ी डिमांडिंग सिक्का है, बुक में 400 रुपया प्राइस आ गया है नया बुक में,
1984 हैदराबाद मीन 1 रुपीस कॉपर निकल में, ठीक है, जेम यूएनसी कंडीशन में देख लीजिए। कंडीशन बढ़िया कंडीशन का है, प्राइस होने जा रहा है 800 रुपया पर पीस, 3 पीस अवेलेबल है। तीनों पीस ही देख लीजिए, तीनों पीस एक ही कंडीशन का है, जेम यूएनसी कंडीशन में, ठीक है। हल्का हल्का गोल्डन लस्टर भी है इसमें, देख लीजिए तीनों पीस सेम पीस है, ठीक है, जेम यूएनसी कंडीशन में 800 रुपया पर पीस, 3 पीस ही अवेलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, एक रेयर कॉइन 50 पैसा कॉपर निकल में 1983 कलकत्ता मिन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का है ये वाला कॉइन। सबसे पहले बात देख लीजिए, अशक लाइन देख लीजिए, बहुत अच्छा ही क्लियर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा घिसा पिटा नहीं है, तब भी बढ़िया कंडीशन का अशक लाइन है, ठीक है। द प्राइस है 700 रुपया, 700 रुपीज़ एक ही पीस अवेलेबल है, ठीक है, देख लीजिए कंडीशन बढ़िया कंडीशन का है। ये सब कंडीशन में ये प्राइस होता नहीं है, कम से कम 900, 850, 900 प्राइस होता है, ठीक है, देख लीजिए एक ही पीस अवेलेबल है, 1983 कलकत्ता मीन एक रेयर कॉइन, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट रेयर कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, तमिल सन त्रिवल्लुवर तमिल कॉन्फ्रेंस बॉम्बे मिन से, एक काफ़ी डिमांडिंग सिक्का हो गया है बॉम्बे मिन, 2 रुपीस कॉपर निकल में बी यू एन सी कंडीशन में, ठीक है, देख लीजिए बी यू एन सी कंडीशन का कॉइन है, एक ही पीस अवेलेबल है कैप्सूल के साथ। प्राइस होने जा रहा है 1600 रुपया, 1600 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है, 1600 रुपया में आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि इसका मार्केट वैल्यू 1600 से 1800 का बीच में है, ठीक है, बी यू एन सी कंडीशन का बोल रहा हूँ। तो मेरे हाथ में बी यू एन सी है, 1600 में आपको मिलने जा रहा है, एक ही पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, 2 रुपीज़ FSS में, ये वाला है लुइस ब्रेल फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन, कलकत्ता मीन का एक कॉइन है। ये जब भी आता है सोल्ड आउट होता है, कम से कम दो बार शायद वीडियो में मैंने लगाया था, तो शायद बहुत सारा आदमी को, एक दो आदमी को पिछले वीडियो में रह गया था पेंडिंग, नहीं दे पाया, तो अभी भी फिर से 3 पीस ही अवेलेबल है, एक ही पीस मैंने वीडियो में डला है, लेकिन 3 पीस अवेलेबल है लुइस ब्रेल फर्स्ट स्ट्राइक कलकत्ता मीन का, ठीक है, देख लीजिए ये वाला फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन है। राइटिंग देख लीजिए, पोर्ट्रेट देख लीजिए, और कॉइन का फिनिशिंग देख लीजिए, मिरर फिनिशिंग वाला पूरा कॉइन है, ठीक है, देख लीजिए मिरर फिनिशिंग वाला कॉइन है। ये आपको मिलने जा रहा है 1600 रुपया, 1600 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है लुइस ब्रेल फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन, 3 पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट कॉइन ये भी काफ़ी डिमांडिंग कॉइन है, लाल बहादुर शास्त्री कलकत्ता मीन का एक कॉइन है, 5 रुपीज़ कॉपर निकल में, पूरा अल्ट्रा बीवेंसी कंडीशन, देख लीजिए कंडीशन देखिए, सबसे बड़ा बात होता है कंडीशन। मैं कौन सा कंडीशन आपको दे रहा हूँ, कौन सा कंडीशन वीडियो में दिखा रहा हूँ, और कौन सा कंडीशन दिखाता हूँ और भेजता भी हूँ, ये सबसे बड़ा मैटर करता है, और यही मेरा खासियत है, जो दिखाता हूँ वही भेजता हूँ, दूसरा चीज़ कोई भी किसी को भी आज तक भी नहीं दिया हूँ। अदरवाइज आपको कोई भी सामान पसंद नहीं होता है तो आप तुरंत हमको रिटर्न भी कर सकते हैं, उसके बाद मैं एक्सचेंज भी कर देता हूँ, और उसके बाद आप रिफ़ंड भी करना चाहते हो तो मैं मनी भी रिफ़ंड आपको तुरंत ही कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा इशू है, ये मेरा काम करने का तरीका है, कौन क्या काम करता है मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरा काम करने का एक तरीका होता है। और ये वाला है रिडिटेज, काफ़ी डिमांडिंग सिक्का, एक रेयर आइटम होता है, लाल बहादुर शास्त्री रिडिटेज 5 रुपीज़ कॉपर निकल में बी यू एन सी कंडीशन में, 2 पीस अवेलेबल है। प्राइस होने जा रहा है 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है रिडिटेज लाल बहादुर शास्त्री, 2 पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। ये भी एक बायोमेटेलिक कॉइन, 10 रुपीज़ बी यू एन सी कंडीशन में बायोमेटेलिक कॉइन, लाला लाजपत राय कलकत्ता मीन का कॉइन है, काफ़ी डिमांडिंग कॉइन हो गया है, बुक में 800 रुपया प्राइस आ गया है नया बुक में, ठीक है। तो मेरे हाथ में अभी 2 पीस अवेलेबल है बी यू एन सी कंडीशन में, लाला लाजपत राय कलकत्ता मीन, प्राइस होने जा रहा है 1100 रुपया, 1100 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है, ठीक है, 1100 रुपया में लाला लाजपत राय कलकत्ता मीन का कॉइन आपको मिलने जा रहा है पूरा कैप्सूल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, एक भेल बॉम्बे मीन 5 रुपीज़ निकल ब्रास बी यू एन सी कंडीशन में, ठीक है, देख लीजिए 2 ही पीस अवेलेबल है, दोनों का दोनों बी यू एन सी कंडीशन का कॉइन है। प्राइस होने जा रहा है 1200 रुपया, ठीक है, 1200 रुपया में बॉम्बे मीन भेल 5 रुपीज़ आपको एक रेयर कॉइन मिलने जा रहा है, ठीक है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, 5 रुपीज़ कॉपर निकल में दादा भाई नरोजी हैदराबाद मीन से, ये भी काफ़ी डिमांडिंग कॉइन होता है हैदराबाद मीन से,
गोल्डन लस्टर वाला कॉइन है, BUNC कंडीशन का 5 रुपीज़ कॉपर निकल पूरा कैप्सूल के साथ आपको मिलेगा। प्राइस होने जा रहा है 1500 रुपया, ठीक है, 1500 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है। 2 ही पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, एक रेयर कॉइन है तिलक की FSS में, देख लीजिए पूरा BUNC कंडीशन का कॉइन है तिलक की FSS में। ये भी नया बुक में 1300 रुपया UNC प्राइस में आ गया है, लेकिन बुक का रेफरेंस आप लीजिएगा तो बुक का प्राइस मार्केट का प्राइस सेम नहीं होता है, मार्केट प्राइस ज़्यादा रहता है, हाई रहता है, ठीक है ना, और ख़ास तौर से BUNC वाला कॉइन में, ठीक है। BUNC जो कलेक्शन करता है, जिसको पता है, उसका खुद ब खुद पता लग जाता है कौन सा कंडीशन कौन सा प्राइस होता है, ठीक है। नया को शायद पता नहीं होगा, तो जो एक्स्ट्रा फाइन भी खरीद रहा है तो उसको भी BUNC का प्राइस शायद ज़्यादा लगे, लेकिन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए रेयर कॉइन चाहे वेरियस कैर कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से, मेरा मानना है तो BUNC में ही इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आगे जाके ये सब का फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रोवाइड है, ठीक है। तो आपको मिलने जा रहा है 1600 रुपया में, 2 पीस अवेलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है FSS में। नेक्स्ट रेयर कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला अल्ट्रा गोल्डन लस्टर के साथ 1 ही पीस अवेलेबल है, कम से कम 2 महीना बाद कोशिश में लगा हो के 1 ही पीस अवेलेबल हो पाया है। काफ़ी डिमांडिंग कॉइन है ये वाला, 2 रुपीज़ कॉपर निकल में, BUNC कंडीशन में, पूरा प्रॉपर गोल्डन लस्टर है कॉइन में, ठीक है, देख लीजिए। अल्ट्रा BUNC जिसको बोला जाता है, ये वाला कॉइन को बोला जाता है। ये सब कंडीशन का कॉइन आपको हर एक सेलर के पास देखने को नहीं मिलेगा, अगर होता है तो सेल नहीं करता है, लेकिन मेरा काम करने का तरीका अलग होता है, इसीलिए मेरे पास जो भी नया कॉइन आता है मैं रोकता नहीं हूँ, तुरंत वीडियो में लगा देता हूँ, इसीलिए मैं सेल कर देता हूँ कि आप लोग का कलेक्शन बढ़े, आप लोग का कलेक्शन अच्छा हो। मैं अगर ये रख दूँगा ना, मेरे परे परे रेट बढ़ जाएगा, मेरा उससे मतलब नहीं है रेट बढ़ने का, मेरा मतलब है सेल करने का, मेरा मतलब है आप लोग का कलेक्शन बढ़ाने का, आपका कलेक्शन अच्छा हो, ठीक है ना। तो 1 ही पीसी अवेलेबल है, जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है, और जिसका मैसेज पहले आएगा उसी को ये बुक करा दिया जाएगा। 2004 कलकत्ता मेन, पूरा गोल्डन लस्टर के साथ अल्ट्रा BUNC जिसको बोला जाता है, ये वाला कॉइन, ठीक है, 2004 कलकत्ता मीन नेशनल इंटीग्रेशन, 2 रुपीज़ कॉपर निकल, प्राइस होने जा रहा है 3200 रुपीज़ में, 3200 रुपया में आपको मिलने जा रहा है ये वाला कंडीशन का कॉइन। आपको कम से कम बहुत सारा सेलर का वीडियो देख लीजिएगा तो नहीं मिलेगा ये सब कंडीशन का कॉइन, ठीक है। तो जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है, 3200 रुपया में आपको मिलने जा रहा है। ये भी एक काफ़ी डिमांडिंग कॉइन है, 2 रुपीज़ कॉपर निकल में, ये भी BUNC कॉइन है, ठीक है, ये भी गोल्डन लस्टर वाला है, लेकिन उसका जैसा गोल्डन लस्टर इसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कलकत्ता मीन का है, और ये वाला है नोएडा मीन का, 1996 नोएडा मीन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत ही रेयर आइटम है और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग आइटम है। बुक में 1500 रुपया UNC प्राइस ऑलरेडी आ चुका है, तो मार्केट वैल्यू कम से कम डबल से भी ज़्यादा होता है, ठीक है, डबल से भी ज़्यादा है, होता नहीं है, है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नोएडा मीन BUNC कंडीशन का कॉइन है, ठीक है, नोएडा मीन का, देख लीजिए नोएडा मीन, शायद आपको शायद क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन और एक बात है, ये जो स्पॉट देख रहे हैं ये मीन का तरफ से ही है, ठीक है ना, देख लीजिए, क्योंकि दिखाना बहुत बड़ा बात होता है और बोल देना भी क्लियर होता है, क्योंकि आपके पास जब जाएगा आप बोल दिया जाए शायद सर एक दाग वाला कॉइन भेज दिया, लेकिन दाग वाला नहीं, जो है मैं ओपनली वीडियो में दिखा देता हूँ, और मेरे पास 1 ही पीस अवेलेबल है, देख लीजिए अशक लाइन का मुंह देख लीजिए, एकदम प्रॉपर BUNC वाला पूरा कंडीशन का कॉइन है, ठीक है, देख लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्राइस होने जा रहा है 3500 रुपया, 3500 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है, 3500 रुपया में आपको मिलने जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल नोएडा मीन। ये भी 1 ही पीस अवेलेबल है, जिसको मैसेज पहले आएगा उसी को ये बुक करा दिया जाएगा, डबल पीस नहीं होगा, ठीक है, 1 ही पीस अवेलेबल है। तो आज का वीडियो का लास्ट कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, एक फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन, 2 रुपीज़ फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन, चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, 1998 कलकत्ता मीन का फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन, BUNC कंडीशन का, ठीक है, 1 ही पीस अवेलेबल है। 3 पीस आया था ऑलरेडी, 2 पीस सॉल्ड आउट हो गया है, 1 ही पीस है, तो जिसको चाहिए मैसेज कर सकता है। प्राइस होने जा रहा है 4200 रुपीज़ में, ठीक है, 4200 रुपीज़ में, 4200 रुपया में आपको मिलने जा रहा है चित्तरंजन दास फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।